गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउस देखो में। सो आज हम आपको अफोर्डेबल होम्स दिखाने वाले हैं। मार्केट में बहुत डिमांड चल रही है कि आपको 25 से 30 लाख में 2 BHK या 3 BHK चाहिए, मिल भी जाएंगे आपको बहुत अच्छे प्राइस में, बट उनकी लोकेशन बहुत पीछे चली जाएगी। अगर आप लोकेशन अच्छी चाहोगे तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। उसी की डिमांड को देखकर आज हम आपके लिए ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और जिसकी प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सामने जैसे ही आप एंट्री करते हो प्रोजेक्ट में तो सामने भी आपको शोरूम्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे प्यूमा हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, तो आपको काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन भी आएगी। प्रोजेक्ट की बात करें तो 2 एकड़ का पार्क प्रोजेक्ट है जिसमें 1 एकड़ का पार्क ही है, तो आपको काफ़ी ओपन आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, काफ़ी एरी फील होगा। और अगर सैंपल फ्लैट की बात करें तो आपको 100 गज का एरिया है जिसमें हम आपको 2 BHK फ्लैट दिखाने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सैंपल फ्लैट दिखाने वाले हैं। और ये आ गए हम सैंपल फ्लैट के बाहर। एक फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट्स मिलेंगे आमो सामने, सेंटर से स्टेज रहेगी, ऊपर भी आपको ग्रेनेट रहेगा। जैसे ही हम सैंपल फ्लैट की और देखते हैं तो जो हाइट है इसकी 8 फिट के अप्रॉक्सीमेट हाइट रहेगी। बीच में हम आपको डिजिटल लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं गोदरेज का, जिसको आप पासपोर्ट से खोल सकते हो या कार से खोल सकते हो। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। जो साइज है इसका 13x17 का साइज है, तो स्पेशियस साइज है आपको, जिसमें हमने 5 सीटर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, और इजीली लग जाएगा और वॉकिंग स्पेस भी आपको काफी बच जाएगी। सामने विंडो है, अब बालकनी इसमें भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने बहुत सारे फ्लैट्स में देखा होगा कि जो बजट वाले फ्लैट्स होते हैं उनमें नीचे ग्राउंड फ्लोर में बालकनी नहीं होती, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ही आपको बड़ी विंडो है जिसमें आपकी सनलाइट और वेंटिलेशन आपको प्रॉपर रखने के लिए, जितना भी यूज हुआ है ग्लास सारा टफंड ग्लास ही रहेगा। और ये ड्राइंग एरिया देख लिया, ये हमने डाइनिंग एरिया सेपरेट किया हुआ है जिसमें हमने 4 सीटर लगाया हुआ है, आप 5 सीटर भी इजीली रख सकते हो, तो मूवेबल स्पेस आपको काफ़ी बच जाएगी। पीछे आप जैसा POP का काम देख रहे हो वॉल में, कितना आपको प्रीमियम लुक दे रहा है, सेम आपको एज इट इज मिलेगा। ऊपर भी आप जैसी फॉसलिंग का डिज़ाइन देख रहे हो पॉप लाइट के साथ में, सेम आपको एज इट इज ही मिलेगा, ड्रिवन होगा। बेसिकली बता देता हूँ, सेमी फर्निश्ड आपको फ्लैट प्रोवाइड होगा जिसमें आपकी फॉसलिंग हो गई, POP का काम हो गया, नीचे 32x32 की टाइलिंग हो गई, विटिफाइड मॉडल पूरा किचन हो गया, कैबिनेट्स हो गए, ये सारा कुछ प्रोवाइड होगा आपको। स्विचेस भी आप देखोगे तो टच वाले स्विचेस हैं जिसको आप फोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। इस साइड हमारा किचन है, सामने किचन का साइज देखिए 100 गज के हिसाब से कैसे यूटिलाइज किया है, 8.5x9.5 का साइज है, और जितनी भी फिटिंग है सारी सॉफ्ट क्लोजर के साथ में है। ऊपर वाले भी आपके हाइड्रोलिक हैं, जो क्वालिटी है ए क्लास क्वालिटी के कैबिनेट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। सिंक भी आपको डबल रहेगा, साउंडलेस सिंक है, ऊपर धोए हुए बर्तन रखने के लिए स्पेस अलग छोड़ी हुई है। ये मॉडल किचन हो गया। सामने इस साइड हमारे लेफ्ट साइड में सबसे पहला बेडरूम आता है, किड्स बेडरूम, या आप कह लीजिए कि आपका गेस्ट बेडरूम। साइज इसका 10x12 के अप्रॉक्सीमेट साइज है, तो स्पेशियस साइज है जिसमें आप देख सकते हो मूवेबल आपको स्पेस बच जाती है। इस साइड कैबिनेट्स हैं, जैसे स्लाइडर आपको वार्डरोब्स दिख रहे हैं, सेम आपको एज इट इज ही मिलेंगे। सनमाइका भी सेम आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा, सेम एज इट इज। बेडरूम में भी आप फॉसलिंग देख रहे हो, डिसेंट फॉसलिंग आपको प्रोवाइड हो रही है कॉबलेट्स के साथ में। इस साइड वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी काफ़ी स्पेशियस निकाला हुआ है, 5x6 के अप्रॉक्सीमेट साइज है इसका, तो स्पेशियस है। फिटिंग आपको जितनी भी लगी हुई है सारी प्रीमियम है। टाइलिंग कंसेप्ट देख सकते हो आप, ऊपर तक आपको टाइलिंग मिल रही है, 4x2 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा साइज इसका, तो प्रीमियम आपको एक फ्लैट बन जाता है। साथ में किड्स या गेस्ट बेडरूम के साथ में हमारा वॉशिंग एरिया अटैच रहेगा। वॉशिंग एरिया भी स्पेशियस है, इसमें इस साइड आपकी वॉशिंग मशीन लग जाएगी, स्विच दिया हुआ है, कपड़े धोने के लिए अलग थोड़ी स्पेस और बच जाती है। ऊपर आपको विंडो छोड़ी हुई है कि सनलाइट प्रॉपर रखने के लिए। सामने आपको TV पैनल रहेगा जिसमें आप बड़ी आपकी LED आराम से लग जाएगी। इस साइड हमारा मास्टर बेडरूम है,
मास्टर बेडरूम आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कितना स्पेशियस है, 10x13 का अप्रॉक्सीमेट साइज रहेगा इसका। इस साइड जैसे हमने बनाया हुआ है स्टडी टेबल बनाने के लिए स्पेस छोड़ी हुई है, सेम आप एज इट इज बना सकते हो, तो आपको मूवेबल स्पेस फिर भी बच जाएगी। इस साइड वार्डरोब्स हैं, जैसे वार्डरोब्स हमने किड्स या गेस्ट बेडरूम में देखे थे, सेम क्वालिटी के आपको सेम मिल रहे हैं। स्टोरेज ऊपर भी आपको मिल जाती है, नीचे भी है सूटकेस के लिए। और आगे हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी गेस्ट बेडरूम से बड़ा है, 5x7 के अप्रॉक्सीमेट साइज है। टाइलिंग कंसेप्ट आपको ऊपर तक रहेगी और विट्रीफाइड आपको टाइल मिल रही है, जितनी भी फिटिंग है सारी ब्लेंडर रहेगी जैगुआर की। साथ में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां रखी हुई हैं, बेडरूम में भी है वॉशरूम में भी है। और ये तो हमने आपको 2BHK फ्लैट दिखाया, अगर इसमें आपके लिए ऑप्शन है 3BHK भी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वारी होती है तो दिए गए नंबर पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।